तो सर को वेट कराती हूँ। सर मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मुझे घर के काम भी निपटाने होते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है। और आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा जब हम उसको रिवील करेंगे कि हम किन से मिलने जा रहे हैं। इतने स्पेशल गेस्ट हैं वो कि आप उनको देख के बहुत अच्छा डांस करने लग जाओगे। और डांस तो बिल्कुल आप करोगे ही करोगे, तो मतलब 100%। हाय एवरीवन, आज हमने सोचा आपको बताएं कि हमारी जर्नी कैसे शुरू होती है दिन की। ये देखिए सर यहाँ पर गाड़ी में बैठ के वेट कर रहे हैं मेरा, मैं रोज लेट कर देती हूँ। तो अभी हम चलते हैं सर के पास गाड़ी में और फिर शुरू करते हैं दिन को। ये देखिए, अरे मैडम आज आप आज फिर लेट हो, मैं रोज सर को वेट कराती हूँ। सर मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मुझे घर के काम भी निपटाने होते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है। पर इस तरीके से ये रोज लेडी मुझे याद दिलाती है कि मुझे सीट बेल्ट पहननी है। जब भी हम आपको लेकर चलते हैं कि आज हमारा दिन कैसा रहने वाला है, तो आज एक कैंडिड वीडियो हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। तो लेट्स स्टार्ट आ गए, अगर अपनी सोसाइटी से बस बाहर ही निकल रहे हैं। और तो इस तरीके से रोज हम निकलते हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, तो इस तरीके से रोज हम सुबह निकलते हैं। देखो पीछे हमारा लंच का बैग, हमारा लैपटॉप बैग, सब कुछ रखा हुआ है। और सर मुझे याद दिलाते हैं कि मैंने सर को लेट कर दिया, और फिर हम निकल जाते हैं। और फिर रास्ते में बहुत सारे हमारे पास फोन आने शुरू हो जाते हैं और हमारे दिन की प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो अभी हम प्लानिंग करेंगे, तब तक फिर हम ऑफिस पहुंच के फिर दोबारा से आपको बताते हैं कि हम क्या करते हैं। 15 मिनट लगते हैं। तो देखो द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में भी आपको बताते हैं। ये नया एक्सप्रेसवे बन गया है, जो इसका रिसेंटली अभी ओपनिंग हुआ है। बहुत ही जबरदस्त, मोदी जी इसी फ्लाईओवर के ऊपर से निकले थे हमारे घर के बिल्कुल सामने से। जबरदस्त एक्सप्रेसवे है ये, इससे हमारी लाइफ बहुत शॉर्ट हो गई। डेली हम फटाफट पहुंच जाते हैं 15-20 मिनट में, और ऑफिस भी हम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, हमें सिर्फ 15 मिनट ऑफिस आने लगते हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी, इसलिए हम और भी ज्यादा काम कर पाते हैं, क्योंकि जितना पास में ऑफिस होगा उतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ऐसा हमारा मानना है। तो इसलिए हमने ऑफिस के पास ही शिफ्ट कर लिया। तो अब हम ऑफिस जब पहुंचेंगे तो फिर आपको फिर से बताते हैं कि हमारा रूटीन कैसा चलता है। औद्योगिक क्षेत्र में हम एंटर कर रहे हैं, देखिए पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पे, पूरा गारमेंट का हब बनाया गया है। तो सारे बड़े बड़े फैशन ब्रांड्स भी हैं, गारमेंट एक्सपोर्टर्स भी हैं। तो ये पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में हम एंटर कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र है, सेक्टर 37, नियर हीरो होंडा चौक। तो ये एक सीएनजी पंप है जिसकी डायरेक्शन हम हमेशा हर किसी को देते हैं कि वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। तो ये दिस इज सेक्टर 37 पेस सिटी 2। यहाँ पर आपको खाने पीने का कुछ नहीं मिलता, हमें भी सिर्फ स्विगी करना पड़ता है। देखो यहाँ पर बस ऐसे पान वाले खड़े होते हैं, उसके अलावा यहाँ पर आप नीचे नहीं उतर सकते क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और सिर्फ लेबर या फिर गाड़ियाँ नजर आती हैं। और हम पहुँच गए अपने ऑफिस। ये देखिए यहाँ पे लगा हुआ है स्टाइलॉक्स फैशन का बोर्ड, और ये है हमारी बिल्डिंग जिसके ऊपर लिखा हुआ है धर्मानी हर्ब्स इंडिया। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं अपने ऑफिस, और ये सर चल रहे हैं अब सीढ़ियों से अपने केबिन की तरफ। हमारे पास एक खुफिया दरवाज़ा है जहाँ से हम अपने सीधा केबिन में पहुँच जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि हम आ गए हैं। और देखिए सर अलग रूम में जाते हैं और मैं अलग रूम में जाती हूँ। ये सर का केबिन है, हाँ कि सर अलग केबिन में बैठते हैं और मैं अलग। पहले हम एक ही केबिन में बैठा करते थे, तो देखिए यहाँ पर ये एक अलग केबिन है विच बिलोंग्स टू मी, जहाँ पर मैं बैठती हूँ। तो अगर आप हमसे मिलने आते हैं तो दिस इज द प्लेस वी आर सिटिंग एट। अब सबसे पहला काम हमारे दिन का होता है कि हम पहले मंदिर में पूजा करते हैं, उसके बाद अपने काम को शुरू करते हैं। तो आइए सर कुछ सैंपल्स आए हैं, जरा इनको देखो कैसे हैं सैंपल्स। बेसिक टी शर्ट, पहली चीज आते ही यहाँ पर यही चेक होता है कि आज के क्या कोरियर्स आए हैं, बिल्स पेंडिंग पड़े हैं। नाइस, वेरी ब्राइट कलर। पर उससे पहले सर पूजा करनी होती है, तो आइए करें। अब हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं।
ऑफिस से बाहर आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम छुट्टी करके घर जा रहे हैं। अभी 3 बज रहे हैं और अभी हमें जाना था एक मीटिंग में, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है आज हमारी, और आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा जब हम उसको रिवील करेंगे कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। आज ही दिखाएंगे आपको कि हम किससे मिलने जा रहे हैं और उसके बाद ही इस वीडियो को एडिट करेंगे। तो गाड़ी में पेट्रोल भी मेरी खत्म हो गया है, अच्छा टूट लाऊंगा पहले और फिर हम आगे जाएंगे। और इतने स्पेशल गेस्ट हैं वो कि आप उनको देख के बहुत अच्छा लग जाओगे और डांस तो बिल्कुल आप करोगे ही करोगे, तो मतलब 100% वाली बात। तो आप स्टे ट्यून्ड रहो क्योंकि हम फटाफट से अभी पहुंचने वाले हैं, अभी वी आर ऑन द वे, अभी हमें गुड़गांव में ही उनसे मिलना है। तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचेंगे डेफिनेटली हम आपको दिखाएंगे। अभी देखो मैं आपको गुड़गांव भी दिखाती हूँ कि गुड़गांव कैसा है, बहुत सारे लोग हैं जो हमें दूर दूर से देखते हैं। गुड़गांव तो एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन चुका है, सारे आईटी के हब और सब कुछ यहाँ पर है। आप देख सकते हो ये क्राउन प्लाजा होटल है, ये वर्ल्ड टेक पार्क बिल्डिंग है और मेरा पेट्रोल पंप भी बहुत नजदीक आ चुका है। तो अभी आपको सर पेट्रोल पंप भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर गुड़गांव का पेट्रोल पंप भी दिखाते हैं कैसा होता है, कैसा होता है पेट्रोल मिल रहा है 90 रुपए। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, ये वैसा ही है जैसा हर सिटी में होता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है सर। बट मेन बात ये है कि मौसम बहुत ही डिफरेंट हो रहा है, कहीं धूप के साथ में बारिश वाला मौसम हो रहा है मिक्स सा। और अभी हम जा रहे हैं इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए, तो मैं आपको फटाफट से इसको वाइंड अप करके वहाँ पहुँच के दोबारा से दिखाती हूँ कि कौन है हमारे स्पेशल गेस्ट। तो हम आ चुके हैं, स्पेशल गेस्ट इज अबाउट टू कम, विल मीट देम। आपको बताते हैं कि कौन है वो स्पेशल गेस्ट, रितिका उनका वेट कर रही है। तो लेट्स सी हु इज ही, आपको सरप्राइज बहुत जल्दी रिवील करने वाले हैं। अभी चलो सर तो आज हमने आपको मिलवाया है दी फेमस सिंगर सुखबीर जी। आप देखिए कितने मजे से वो गाना भी गा रहे थे और उन्होंने इस डायलॉग्स को बहुत पसंद किया, मतलब आई एम अमेज्ड एंड आई एम फीलिंग सो नाइस, मुझे बड़ी ब्लेसिंग वाली फीलिंग आ रही है। ये आज का डे हमारा बिल्कुल सरप्राइजिंग डे था, वी गॉट टू नो कि आज हम उनसे मिलने जा रहे हैं, तो सडनली ये व्लॉग में भी ऐसा आ गया। हाँ, आज ही हमने सोचा कि हम व्लॉग बनाएं और आज ही इतना बड़ा सरप्राइज हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए हो गया कि हम उनसे भी मिलके आए। एंड द बेस्ट पार्ट वाज दैट आई वांट टू शेयर, ही सच अ जेम ऑफ अ पर्सन, मतलब इतना डाउन टू अर्थ, इतने आराम से उन्होंने हमें टाइम दिया, इतने मजे से उन्होंने स्टाइलॉक्स के प्रोडक्ट्स का टच एंड फील लिया। एंड बेस्ट पार्ट इज उनको हमने प्रोडक्ट्स गिफ्ट करे एंड ही लव्ड इट, दैट्स द बेस्ट पार्ट, कि मतलब उनको हमारी वैरायटी, उनको हमारे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद आए एंड ही हिमसेल्फ चोज कि मुझे क्या लेना है और मुझे क्या पहनना है। तो आई एम सो हैप्पी। आज के व्लॉग्स में सिर्फ इतना ही, अगले मिलेंगे अगले व्लॉग में। और आपको आज हम ऑफिस में ज्यादा नहीं बैठे, तो हमने ऑफिस की, हम चाहते हैं इस व्लॉग्स के थ्रू कि आपको ऑफिस में हम जो डेली कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, कुछ डेली नई नई चैलेंजेस हमारे साथ में आते हैं, वो आपको हम बताएं कि क्या क्या हम डेली रूटीन रहता है, कि क्या क्या, अगर आप भी बिजनेसमैन हैं या बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आपको भी पता चलेगा कि क्या चीजें चैलेंजेस आते हैं जिसको ओवरकम करना पड़ता है गारमेंट बिजनेस में। तो इसलिए हमने व्लॉग की शुरुआत की है, तो हमारे साथ बने रहिए और डायलॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस तरह के व्लॉग्स हम लाते रहेंगे। थैंक यू।